सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ब्रजेश चौहान है। सर कहाँ से हैं आप? जी मैं उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? जी मैं 24/6/2010 को जुड़ा मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर ऐसा है कि मैं 2009 में पासपोर्ट बनवाया था, तो उसमें मेरे को जाना था सऊदी। उसमें जो है कि मेडिकल रिपोर्ट मेरा HIV का आया। फिर सभी देवी देवताओं की भक्ति करते करते अगर इतना खतरनाक बीमारी हो सकती है तो उन देवी देवताओं की भक्ति करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया और उनसे नाम उपदेश लिया। सर क्या बीमारी हो गई थी आपको? सर जी सऊदी अरब जाने के लिए जब मैंने अपना पासपोर्ट ये किया अप्लाई किया वहाँ ट्रेडवेल करके एक ऑफिस है बॉम्बे में, तो वहाँ से जब इंटरव्यू वगैरह सब मेरा पास हुआ था, जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो ऑफिस में मैं गया तो वहाँ एक सकीना करके मैडम है, तो उसने उसको मैं पूछा तो बोले चौहान साहब आपका तो बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया है कि आपको तो एड्स है। मैं वहाँ एकदम तक रह गया। मैं बोला मैडम क्या बोल रही है, ऐसा आप मजाक कर रही हैं क्या मेरे से? तो बोले नहीं हकीकत है कि आपको एड्स हो गया है और आपको भेज नहीं सकते, जबकि वो कंपनी इतने तक तैयार थी कि मैं बोला भाई मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता वहाँ जाने के लिए। तो बोले कोई बात नहीं आप चलो वहाँ आपके पेमेंट से पेट कर लेंगे। लेकिन जब ये रिपोर्ट आया HIV का तो मैं तो एकदम थक बक रह गया, मेरा आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं था, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं तो पूरा ये हो गया था। फिर वहाँ एक फारूक करके था, बोले कोई बात नहीं तुम चले जाओ सऊदी फिर देख लेंगे उधर जाने के बाद। तो जो सकीना मैडम है ऑफिस में काम करती थी वो बोले चौहान जी ऐसा चीटिंग करके नहीं जाना आप कि आपका पैसा डूब जाएगा वहाँ, आप जाओ मत वहाँ। मैं बोला ठीक है मैडम। फिर मैं वहाँ से जब नासिक आया दो चार जगह और रिपोर्ट करवाया तो सब जगह वही दिखा मेरे को HIV एड्स का। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला आपको? तो एक मनोज करके है भगत जी है, उन्होंने मेरे पास काम कर रहे थे, मैं उनको बताया ये बात कि भाई मनोज मेरे को तो ऐसा ऐसा बीमारी हो गया है। तो वो बोले वो हंसने लगा, बोले यार भगत जी भाई साहब आपको इतना खतरनाक बीमारी हो गया है? मैं बोला हाँ मेरे पास ये सब रिपोर्ट है। तो बोले कोई बात नहीं आप चलो बरवाला आश्रम में, वहाँ संत रामपाल जी करके है कि वहाँ से आप अगर नाम दीक्षा ले के भक्ति करें तो आपका कल्याण हो सकता है। फिर मैं बोला यार ऐसे कोई दवा इसका है ही नहीं, पूरे विश्व में कोई दवा नहीं है, मैं तो अभी एकदम टूट गया, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं अभी उनका क्या होगा, जबकि घर वाले बोल रहे थे मेरी आदत से दारू पीना खाना ऐसा, तो क्या बोल रहे थे कि भाई ये अगर मर गया तो इसके बच्चों से भीख मंगवाएंगे कटोरा देकर। अब बच्चों का भी तकलीफ, इधर एड्स का कोई इलाज नहीं। तो मनोज बोले कि भाई चलो वहाँ। मैं बोला नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा दारू वगैरह नहीं मैं छोड़ सकता हूँ, मर गया तो भी चलेगा लेकिन फिर बच्चों का प्रॉब्लम आता था कि बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके गया मैं बरवाला। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स था, सर इस बीमारी के बारे में जो आप बता रहे हैं, सर इसकी जांच आपने कहाँ करवाई? जी सर जी इसकी जांच मैं जब बॉम्बे में मेडिकल करवाया था तो वहाँ से मेरे को मालूम पड़ा, फिर नासिक में दो तीन जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करवाया वो भी सेम रिपोर्ट आया, फिर मैं सिविल में जाके चेक किया वहाँ पे भी सेम रिपोर्ट आया। फिर अपनी दवाई सिविल का ट्रीटमेंट है इस पर अपना ये दवाई स्टार्ट किए थे, और अभी मैं जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हूँ तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV एड्स है वो बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सर क्या आया रिपोर्ट में? सर रिपोर्ट दिखाना। ये मेरा HIV टेस्ट है, HIV 1 और HIV 2 दोनों निगेटिव बता रहा है। सर कौन से डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको HIV एड्स पॉजिटिव है? ये सभी जगह पे जो बॉम्बे जगह बॉम्बे में भी और ये जो सिविल का बुक है यहाँ भी उन्होंने। कहाँ के सिविल हॉस्पिटल में आपने दिखाया? सिविल हॉस्पिटल पे दिखाया था और ये उसका ट्रीटमेंट जो चालू था वो बुक है वहाँ का। सर अक्सर जब लोगों को बीमारियाँ होती है तो मेडिकल में जाते हैं और डॉक्टर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं,
और अपना स्थायी इलाज करवाते हैं, लेकिन जब आपका डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं। तो सर ये समझाने की कोशिश कीजिए कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद कैसे आपको लाभ हो गया, कैसे आपको आराम हो गया। वहाँ जब आश्रम में पहुँचा तो गुरुजियों से दर्शन में गया तो मैं उनको बताया, गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज से बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा बीमारी है, अब तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मैं क्या करूं। तो संत रामपाल जी ने कहा कि भाई परमात्मा दया करेंगे, जहाँ जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमात्मा दया ही करते हैं, और ये परमात्मा का दरबार है, तुम भक्ति करो तुम्हारा ये रोग कट ही जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बात जब बताई थी तो मेरे को थोड़ा तसल्ली हुआ, फिर भी ऐसा मैं सुना था कि एड्स का कोई इलाज नहीं है। तो एक दो बार भी मैं जाते आते रहा, अभी का जो रिपोर्ट निकाला है उसमें पूरा क्लियर है और मैं आज सुखी हूँ। सर देखिए, आज का जो वर्तमान ज़माना है वो इन बातों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर पाएगा। आपकी बातों पर लोग कैसे विश्वास करें? आपने रिपोर्ट दिखाई, आपने डॉक्टरों के नाम बताए, मेडिकल के नाम बताए, बावजूद लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि एक संत से नाम दीक्षा लेने के बाद HIV एड्स जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे? जी सर जी, विश्वास ऐसे होगा कि जब आखिरी पोजीशन पे आता है तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब तो भगवान का ही भरोसा है कि भगवान की शरण में जाओ और भक्ति करो, शायद भगवान आपको कुछ कर सकता है तो करेगा, क्योंकि डॉक्टर भी जब जवाब देते हैं तो भगवान की तरफ ही भेजते हैं। सर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी और संत से भी आप नाम दीक्षा लेते तो वहाँ पर भी आपकी बीमारी ठीक हो सकती थी? नहीं, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है और वो जो साधना बताते हैं वो गलत है, और ये जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो हर एक शब्द का वो प्रूव करके बताते हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं वो 101% सत्य साधना बताते हैं, बाकी किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए उनके पास जाने से भी कोई लाभ नहीं होता है। सर जब भी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करते हैं, उनके इंटरव्यूज लेते हैं, हर किसी शिष्य के साथ कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं जिसको सुनकर के हर कोई हैरान हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स पॉजिटिव थी और जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपको जो HIV एड्स थी वो नेगेटिव रिपोर्ट आई और आज आप बिल्कुल ठीक हैं। तो सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या क्या अनुभव हुए हैं? जी सर जी, मेरे को अनुभव तो बहुत कुछ हुआ। जब संत रामपाल जी थे आश्रम में, उनका सत्संग चालू था, मैं गया हुआ था आश्रम में, तो अचानक मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मेरे सहन नहीं होता था। फिर वहाँ 10 बार उठता और बाथरूम जाता, आता बैठता, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इतना दर्द होता था। वहाँ जब मैंने प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग कर रहे थे, वहाँ जब मैं प्रार्थना लगाया मन ही मन, मैं बोला परमात्मा अगर आपकी शरण में आके भी इतना दुख ही रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर इतना शब्द बोला और मैं गया बाथरूम तो इतना बड़ा खड़ा है जिसको मुझ खड़ा बोलते, अपने आप कट करके गिरा उधर, और मैं उठाया हाथ में देखा फिर रख दिया वहीं पे, वो लाभ हुआ मेरे को। बाकी जो अपने काम धंधे है उसमें भी बहुत प्रॉफिट होती है, और मैं इतना नास्तिक था कि मेरा दारू शराब यानी किसी प्रकार का ऐसा कोई नशा नहीं है कि जो मैं ना कर रहा हूँ, और हर काम करता था मैं, इतना नास्तिक व्यक्ति था, घर से लेके और बाहर तक किसी को भी पूछेंगे जो अपने रिलेटिव है वो बोलते थे ये नहीं सुधरेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से ही, मैं जब से नाम उपदेश लिया है मुझे किसी भी चीज़ की आदि नहीं। सर आज आप कौन कौन सा नशा करते हैं, किस किस चीज़ के आदि हैं आप? अभी तो मुझे कोई नशा नहीं है, अभी तो सिर्फ एक ही नशा है कि संत रामपाल जी का बताया हुआ जो साधना है वही नशा है, बाकी कुछ नशा नहीं है आज के तारीख। सर देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आपको HIV एड्स था और आपका वो ठीक हो गया, तो हमें भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है जब आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं और जब पाते हैं कि वास्तव में ही आपको राहत मिली है और HIV जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो हम भी हैरान हैं इस बात को लेकर के। तो सर उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज के दिन लाखों रुपये मेडिकल में खर्च कर रहे हैं डॉक्टरों के पास, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर उनको मैं यही कहना चाहूँगा, ये तो आदेश तो परमात्मा ही देंगे, हम तो एक रिक्वेस्ट ही करेंगे कि भाई जैसे मैं दुखी था और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरा सब अच्छा हो गया, आप भी आओ और भक्ति मार्ग में जुड़ो संत रामपाल जी से और नाम उपदेश लो, अपना कल्याण करवाओ। सर जो आदमी कंफर्म करना चाहें कि आपको बीमारी थी या नहीं थी, तो आप अपना पूरा पता बताएं कि लोगों को ये संशय ना रहे कि जो आपको HIV जैसी भयानक बीमारी थी
वो ठीक हो गई, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो बीमारियाँ होती है इसका सही से प्रॉपर इलाज नहीं है। बहुत सारे लोग जान गंवा देते हैं इस बीमारी के कारण। आपका जो पूरा पता है वो लोगों को बताएं, ताकि वो आपसे कंफर्म कर सकें कि वास्तव में ही आपको जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। हाँ सर, मेरा एड्रेस है सुयोग निवास उत्तम नगर सिडको, मेरा मोबाइल नंबर है 9850690053। ये मेरा मोबाइल नंबर है और कोई भी कभी भी मुझे फ़ोन करके ये कन्फर्म कर सकता है। मैं उसको डॉक्टर से भी मिलवा सकता हूँ, हर बातें उनसे कन्फर्म करवा सकता हूँ। सर, आपको जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ये लाभ हुए हैं, आज के दिन यदि कोई ये लाभ संत रामपाल जी महाराज से लेना चाहें तो वो कैसे ले सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, तो उन लोगों को नाम कैसे मिलेगा जैसे आपको मिला? सर, संत रामपाल जी महाराज जी का विभिन्न चैनलों पे सत्संग आता है, उस पे आप कुछ फ़ोन नंबर रहते हैं उसको देख के उस पे कॉन्टेक्ट करके और वहाँ से पता कर सकते हैं। हर ज़िले में हर जगह पे नामदान स्थल उपलब्ध है और लोग बता देंगे, वहाँ से आप नामदान प्राप्त कर सकते हैं। सर, नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे देने होंगे? सर वहाँ तो एक रुपया भी नहीं देना होता है, सब वहाँ की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।